नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणवीर ट्यूबर और आज हम बात करने वाले हैं एक्टर प्रभास की लेटेस्ट मूवी कल्कि के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं तारीफ करना चाहूंगा डायरेक्टर की, जिन्होंने इसमें इंडियन एपिक महाभारत से एक जुड़ी एक स्टोरी हमारे सामने रखी जिससे लोग थोड़ा रिलेट कर पा रहे हैं। स्टार्टिंग में श्री कृष्णा और अश्वत्थामा वाला सीन इस मूवी की स्टोरी के लिए काफी क्रूशियल पार्ट है, तो लेट मत होना वरना बाकी की स्टोरी का बेस समझ नहीं आएगा। स्टोरी सिंपल है। महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्णा अश्वत्थामा को ना मरने का श्राप देते हैं और कलयुग के अंत में कल्कि अवतार की रक्षा करने को कहते हैं। वहीं प्रेजेंट में काशी में बहुत बुरे हालात हैं। वहाँ एक कॉम्प्लेक्स है जिसका मालिक है कमल हासन का कैरेक्टर कली। वहाँ दुनिया की सारी सुविधाएं हैं। भैरवा यानी प्रभास वहाँ जाना चाहता है, इसके लिए वो बाउंटी हंटर बन जाता है। दूसरी तरफ कुछ विद्रोही लोग भी हैं जो शंबाला नाम की जगह पर रहते हैं और कॉम्प्लेक्स में घुसपैठ करते रहते हैं। एक दिन कॉम्प्लेक्स से दीपिका यानी सुमति जो वहाँ काम करती है वो भाग जाती है और उस पर बहुत बड़ी बाउंटी लग जाती है। इसी वजह से प्रभास उसको पकड़कर बाउंटी हासिल करना चाहता है जिससे वो कॉम्प्लेक्स में जाकर रह सके। पर सुमति को बचाने आता है अश्वत्थामा यानी अमिताभ बच्चन। अब अश्वत्थामा सुमति को भैरव और कली से कैसे बचाएगा, इसके लिए फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए। बात करें एक्टिंग की तो प्रभास, दीपिका और बाकी सभी एक्टर्स ने अपनी एक्टिंग से फिल्म में चार चांद लगा दिए हैं। लेकिन सारी लाइमलाइट मिलती है अमिताभ बच्चन को, जिन्होंने अश्वत्थामा के कैरेक्टर को बहुत ही अच्छे से पेश किया है। देखकर लगता है कि उनसे बेहतर ये रोल और कोई कर ही नहीं सकता था। वहीं कमल हासन के कली के कैरेक्टर का एक एक मिनट आपके रोंगटे खड़े कर देगा। फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा लेंदी लगता है। प्रभास की एंट्री अच्छी थी पर उनकी एंट्री फाइट को इतना ज्यादा खींच दिया गया है कि वो बोरिंग लगने लगती है। भाई 20 मिनट तक उनकी फाइट चलती रही थी। प्रभास का भैरवा का कैरेक्टर इस कहानी में एक्स्ट्रा ही लगता है कि बस प्रभास के लिए एक रोल बनाना था तो बना दिया। नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है पर उनका कैरेक्टर भैरवा रिलेटेबल नहीं लगता, उसको देखने में इंटरेस्ट ही नहीं आता। वहीं जब जब अमिताभ बच्चन स्क्रीन पर आते हैं तब तब लोगों का एक्साइटमेंट बढ़ जाता है। फिल्म काफी हद तक हॉलीवुड मूवी ड्यून से प्रेरित लगती है कि एक मसीहा आएगा सबको बचाएगा, एक मदर जिसको सबका इंतजार है जिसे फ्यूचर की झलक दिख जाती है, मिनरल एक्सट्रैक्ट करना, बाउंटी हंटर्स, काफी हद तक आपको ड्यून मूवी की याद दिला देगी। प्रभास और अमिताभ बच्चन के फाइट एक्शन सीन्स बहुत ही अच्छे से फिल्माए गए हैं। दिव्या पादुकोण ने भी अपनी अच्छी एक्टिंग से काफी इंप्रेस किया है। इस मूवी में आपको काफी सारे कैमियोज देखने को मिलेंगे जो काफी वर्थ इट है। एंडिंग में प्रभास के कैरेक्टर को महाभारत के कर्ण का अवतार दिखा के मूवी आपको आगे की स्टोरी के लिए काफी एक्साइटमेंट दे देती है, क्योंकि ये कल्कि यूनिवर्स का फर्स्ट पार्ट है और इसका दूसरा पार्ट भी आएगा। कोई अननेसेसरी गाना मूवी में नहीं है जो मूवी की स्टोरी के फ्लो को तोड़ता नहीं है और लोगों को बांध कर रखता है। बाकी फिल्म बहुत अच्छी है, काफी पैसा कमाने वाली है तो ब्लॉकबस्टर तो होगी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और शेयर करो और कमेंट में बताओ कि तुम्हारा फेवरेट सीन कौन सा था। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी और एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए रणवीर ट्यूबर से।